ये 17,530 पर गैप डाउन ओपनिंग के बाद मार्केट में गिरावट देखी गई और वहां से निचले लेवल से हल्की फुल्की रिकवरी आई है, जिससे ये क्लोजिंग अच्छी लग रही है, वरना दिन के दौरान तो हालत और भी ज्यादा खराब थी। आवरली टाइम फ्रेम पर इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम चेक करेंगे, कहाँ पर सपोर्ट बन रहा है इसमें और कहाँ पर रेजिस्टेंस। तो निफ्टी में जो हालत है अब डाउन स्विंग की है, क्लाउड ब्रेकआउट हो चुका है डेली टाइम फ्रेम आवरली टाइम फ्रेम पर। तो यहाँ से इमीडिएट जो सपोर्ट का लेवल है अब 17,400 के दो आर पर दिख रहा है, 17,400 एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। यदि ये डाउन साइड में निकल जाता है तो फिर हमें 17,200 17,100 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। 17,200 एक सपोर्ट की तरह काम करेगा और 17,400 के पहले 17,500 का जो लेवल है वो क्रिटिकल लेवल बना हुआ है। यहाँ से अपसाइड बनेगी 17,500 के ऊपर, डाउन साइड बनेगी 17,500 के नीचे, और 17,500 के ऊपर जो रेजिस्टेंस का लेवल है वो है 17,600 का। 17,600 जब तक नहीं निकल जाता अपसाइड में, हम तेजी की उम्मीद नहीं कर सकते। तो ये बात हो गई निफ्टी की डेली टाइम फ्रेम आवरली टाइम फ्रेम के चार्ट की। अब इसकी ऑप्शन चेन पर हम देख लेते हैं कहाँ पर सपोर्ट है कहाँ पर रेजिस्टेंस। ऑप्शन चेन में 17,500 का लेवल हमें एक क्रिटिकल लेवल दिखाई दे रहा है। यहाँ पर नए फ्रेश पुट भी राइट किए गए हैं और कॉल भी राइट किए गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये क्रिटिकल लेवल है। अब इसके ऊपर रहेगा मार्केट तो यहाँ पर एक संभावना है तेजी बनने की, लेकिन तेजी बनने की संभावना हम कब करेंगे जब 17,600 का लेवल टूटेगा, क्योंकि 17,600 में बहुत ही अच्छा खासा ओआई बिल्डअप हुआ है और यहाँ पर कॉल राइटिंग की गई है। उसके ऊपर 17,650 पे और 17,800 पे 17 और 18,000 पर भी कॉल राइटिंग देखी जा रही है, तो कहीं ना कहीं 17,600 17,700 17,800 ये रेजिस्टेंस के लेवल साबित होंगे। डाउन साइड में 17,500 के नीचे सपोर्ट का जो लेवल है वो अब 17,400 का सपोर्ट लेवल, उसके बाद 17,300, फिर हम 17,000 का लेवल सपोर्ट की तरह 17,100 को सपोर्ट की तरह देकर चल सकते हैं। तो निफ्टी की रेंज ये हो गई 17,400 से हम 17,600 तक की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि 17,600 एक रेजिस्टेंस का लेवल है, यह निकलेगा तो अपसाइड बनेगी। तो ये बात हो गई निफ्टी की। अब बात करेंगे हम बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग निफ्टी की तुलना में काफी अच्छी हुई है, एक बुलिश कैंडल बनी है डेली टाइम फ्रेम पर और ग्रीन कैंडल कहीं ना कहीं एक स्ट्रांग कैंडल है, क्योंकि बैंक निफ्टी सपोर्ट के लेवल पर ट्रेड कर रहा है और यहाँ से यदि डाउन साइड बनेगी तो फिर बैंक निफ्टी भी गिरेगा साथ में निफ्टी को भी खींचेगा, और यहाँ से अपसाइड बनेगी तो बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा और साथ में निफ्टी को भी अपसाइड में लिफ्ट करेगा। तो बैंक निफ्टी क्रिटिकल जोन में भी बना हुआ है। आवाले टाइम फ्रेम पर इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो अभी जो सपोर्ट का लेवल है इमीडिएटली सपोर्ट बना है 37,500 का लेवल, एक इमीडिएट सपोर्ट की तरह इसमें काम करेगा। अपसाइड में रेजिस्टेंस का लेवल है 38,000 अपसाइड में निकलेगा तो हमें फ्रेश नई तेजी देखने को मिलेगी 38,500 से 38,800 की ओर। 38,800 एक क्रिटिकल अभी रेजिस्टेंस रहेगा, लेकिन 38,000 के ऊपर एक फ्रेश हम 500 से 600 पॉइंट की तेजी की उम्मीद कर सकते हैं। ऑप्शन चेन में हम बात करें तो बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन हम यहाँ पर देखेंगे। बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन में बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है 37,747 की। यहाँ से बैंक निफ्टी में एक क्रिटिकल बात हमें पता चल रही है कि 37,500 पर पुट राइटर्स भी हैं और कॉल राइटर भी, जबकि बैंक निफ्टी क्लोजिंग है 37,747 की और उसके नीचे 37,500 पर कॉल राइटर बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात चिंता का विषय है कि क्या ट्रेडर अब भी ये सोच रहे हैं कि बैंक निफ्टी यहाँ से नीचे गिर सकता है, क्योंकि बिल्कुल सपोर्ट के लेवल पर है और यहाँ से यदि बैंक निफ्टी नीचे गिरता है तो फिर हमें और भी नीचे के लेवल देखने को मिलेंगे, क्योंकि फिर ये पुट राइटर्स जो यहाँ पे 37,500 पर पुट राइटर है 37,400 पर 300 पर 200 पर ये पुट राइटर है ये दबाव में आएंगे, फिर मार्केट और भी नीचे जा सकता है। लेकिन यहाँ 37,500 अभी मार्केट 37,747 पर क्लोज है और यहाँ से यदि अपसाइड बनेगी तो अपसाइड पर जो रेजिस्टेंस के लेवल है हमारे 38,000 पर भी कॉल राइटिंग देखी जा रही है, उसके अलावा 37,800 पर और 37,700 पर भी कॉल राइटिंग देखी जा रही है, तो कहीं ना कहीं ऊपरी लेवल पर बैंक निफ्टी को रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। 38,000 के ऊपर यदि बैंक निफ्टी निकल जाता है तो भी 38,200 38,300 38,400 यहाँ पर कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं जो कि बैंक निफ्टी को इतनी आसानी से ऊपर जाने नहीं देंगे। तो ये बैंक निफ्टी की जो रेंज है हम 38,000 से 37,500 तक के लेके चल रहे हैं और 37,500 के नीचे यदि बैंक निफ्टी जाता है तो और नीचे जाएगा और 38,000 के ऊपर यदि निकल जाता है तो यहाँ से फ्रेश समय तेजी बनेगी। उस इन दोनों लेवल के बीच में बैंक निफ्टी कुछ दिन कंसोलिडेट भी कर सकता है। तो ये एनालिसिस था निफ्टी और बैंक निफ्टी का, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।